बिरजू well, थ ने लिखा है की बिगेस्ट मिस्ट्री टिल नाउ नो वन डुप्लीकेट ब्रो अपोजिट टू ओरिजिनल अच्छा 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 काफी अच्छा जो क्या काफी हसी भी आ रही है और अब ऐसा माहौल बन ही गया है तो फिर मैं भी एक पेश करता हूँ की पिछले एक महीने में स्टिंग दो जगह दिखाई दिए और फॉर सम रिजन एक म्यूजिक वीडियो में जिसका नाम क्रेजी क्रेजी वर्ल्ड है उसमें स्टिंग का ज्यादा अच्छा रोल दिखाई दिया हमें नहीं 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 कैसे कहते हैं लोग हाँ उसमें स्टिंग की काफी अच्छी बुकिंग देखने को मिली एक म्यूजिक वीडियो में कहीं तो चलो स्टिंग का सही से यूज हो रहा है रमीश जी लिखते हैं कि डब्ल्यू क्या है क्या है अः आ... एक मिनट मैंने कौन से चैनल से आज कमेंट उठाए हैं नहीं मतलब ये कमेंट लेने का मेरा मुद्दा यही था कि आखिर कैसे कोई कह सकता है कि WWE क्या है वो भी WWE की ही वीडियो पर इट इज नॉट लाइक कि मैंने फोर्टनाइट का थंबनेल बनाकर PUBG की ऑडियंस को बुलाया था और थंबनेल भी ओटिस का था भाई ओटिस रोल रंबल डोंट टेल मी क्या आप ओटिस को देख कर ये सोचकर आए थे की कोई मास्टर शेफ की वीडियो होगी है और सम फास्ट ईटिंग कॉम्पिटिशन थिंग आई हैव नो आइडिया बट अगर सही में क्वेश्चन है की डब्ल्यूडब्ल्यू क्या है क्या है देन आई कैन टेल यू

वो इकलौते ही ऐसे बंदे हो जो कि हॉल ऑफ फेम में हो उस साल अरे छोटी बात थोड़ी है भाई he's the Undertaker, man. भले म्यूजिक वीडियो में नहीं आ रहे बट है तो सही हमारे लिए क्वेश्चन so को लेने का मेरा मकसद यही था कि काफी लोगों को लग रहा था कि मेरा चैनल मोनिटाइज मौने, नहीं हुआ है बिकॉज वॉच टाइम की वजह से और ऐसा नहीं है वॉच टाइम कब का कंप्लीट हो चुका था थैंक्स टू यू ऑल बट अपेरेंटली यूट्यूब की सटक गई है और उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी निकाली कि अगर आपका एडसेंस का पिन वेरीफाई नहीं होगा तब तक एड्स नहीं चलेगी जबकि पहले चल जाता था और जब पिन आता था हम अपने आप वेरीफाई कर लेते थे लेकिन अभी जब तक पिन नहीं आएगा वेरीफाई नहीं होगा और एक महीने से ज्यादा हो गया और अब तक पिन नहीं आया है एंड आई हाईली डाउट कि अब आएगा भी यूट्यूब बहुत ही ज्यादा मेरी नजरों में गिर चुका है स्पेशली अगर आप इस स्क्रीनशॉट को देखोगे यूट्यूब अपने ही प्लेटफॉर्म पर एड क्या पोस्ट कर रहा है जिसमें गो टू यूट्यूब डाउनलोड वीडियो रीअपलोड

आ सकते हैं बट जिस तरह से जलीना वेगा के फायर करने के बाद ब्लैक नहीं दिखाई दिए उसके महीने पहले से नहीं दिख रहे थे जब पॉसिबल है लेकिन अगर सही में जलीना वेगा की वजह से हुआ है देन आई डोंट थिंक सो कि एलेटर ब्लैक एक्चुअली में रिटर्न करने वाले हैं रॉयल रंबल में बट पता नहीं मेरी इंट्यूशन तो ये कहती है कि एलेस्टर ब्लैक आएंगे वो जिस दरवाजे के पीछे बैठे हुए उसको तोड़ने में उनका काम जारी और जैसी रॉयल रंबल आएगी तब तक वो दरवाजा टूट जाएगा एंड ही माइट रिटर्न जीतने की तो बात पता नहीं दूर की बात है क्योंकि तीन तो चार महीने सेरव से yeah, साथी लिखते हैं भाई निरब साथी आप काफी ज्यादा वीडियो में आ रहे हो मतलब अब तो परमानेंट सही हो गया एक स्लॉट आपका और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सत्ताईस लोग और चाहते थे आपका कमेंट आए जस्ट इमेजिनटिस हिटिंग ब्रॉक विद कैटर पिलर रेसलमेनिया so, जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था हैज एवरीबडीज के ओटिस और ब्रॉक लेजनर का मैच हुआ एट रेसलमेनिया पता नहीं क्यों ओटिस का मैंने रोयल और अगर मैंने डाला तो डाला आप लोग क्यों अराउज हो रहे हो आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि ओटिस को जीतना चाहिए नहीं यार मेरा विश्वास उड़ जाएगा कम्युनिटी से और इसको तो सोच के डर लग रहा है ओटिस हिटिंग ब्रॉक विद कैटर रेसलमेनिया दैट रेसलमेनिया आई थिंक उसको फिर श्राप लग जाएगा रेसलमेनिया मेन ट्वेंटी सेवन से बहुत नीचे गिर जाएगी मेरे लिए वो रेसलमेनिया और सताइस लोग और है जो की ये चीज देखना चाहते हैं वाओ ओके लेट्स डू दिस इस वीडियो पे जितने लाइक्स आएंगे उससे पता चलेगा की एक्चुअली में कितने लोग देखना चाहते हैं हिट करे को विद अगर इसमें भी एक हजार हो गए देन मेरा विश्वास उठ जाएगा सब चीज से सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप कि ऐसी फैंटेसीज आपकी ना हो दोबारा से क्योंकि ये वाली बहुत गंदी थी आई डोंट से कि ओपिनियंस या फैंटेसीज बेकार होती है बट ये वाली बहुत गंदी दूर से ही दिख गई मुझे मेरी मंजिल टायर हुआ पंचर तो तेज मारे पेंडल अंधेरा था जिंदगी में चला डाली कैंडल इतने करी भाग हाँ तोड़ के फाड़ डाले सैंडल उड़ने वाले पिंजरों में बंद थे जब खोले ये ताले तो चल चल के काले हो गए वो बंदे जिनको लगते गंदे हम अभी तो मैंने शुरू भी ना करा और लोगों को लगा जैसे मेरा किस्सा खत्म